यार बजट के हिसाब से तो, लेकिन यार छत है ना, छत तो यार कम से कम टाइट देनी चाहिए ना इसको। अब आप ये देखो जा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम भाई शौर्य कौशिक। तो यार मैं यार काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना ही लूँ कार रिव्यू वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि अपना टैलेंट यार खोज लेना चाहिए। मेरे को गाड़ी वगैरह में बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सोचा यार वीडियो बना ही देता हूँ, चैनल भी बना ही लेता हूँ एक। तो आज मैं सोच रहा हूँ यार एक दिखा देते हैं आपको सिलेरियो की ओनरशिप रिव्यू दिखा देते हैं कि भाई 4-5 साल यूज़ करने के बाद क्या कुछ हमें भाई बढ़िया लगा क्या नहीं। ये जो आप सामने देख रहे हो सिलेरियो 2015 वेरियंट पेट्रोल वर्जन है ये। उस टाइम डीजल भी आती थी, लेकिन ये उस टाइम पेट्रोल वर्जन ही परचेज किया था भाई। अक्सर यार सबके मन में ये होता है कि यार किसी मतलब मारुति गाड़ी को 4-5 साल यूज करने के बाद क्या कुछ उसकी कंडीशन रहेगी क्या। तो इस वीडियो को एंड तक देखना भाई, स्किप मत करना। शुरू करते भाई इसके सामने के फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो देखो इसमें भाई सिर्फ हेलोजन ही आते थे उस टाइम भी, और आज भी हेलोजन ही आते हैं। ये हमको लो बीम और हाई बीम का भी इसी के अंदर मिल जाता है, और फिर इंडिकेटर्स आपको फ्रंट वाले यहाँ मिलते थे। प्लेसमेंट वगैरह ठीक है यार मेरे हिसाब से, तो मेरे को लाइट पसंद है इसकी, मतलब इसका व्यू आगे का जो लुक है ना वो भी काफ़ी हद तक सही है। तो अब आप देखिए ग्रिल भी ऐसी देते थे, क्रोम वाली ग्रिल थी इसमें, ये बड़ा सा सुजुकी का लोगो, और भाई ये नीचे से ब्लैक ग्रिल। फोग लैम्प यार अभी भी इसमें नहीं है, और ना हमने लगवाया यार इसमें, बाहर से जैसी थी वैसी की वैसी है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन यार पसंद नहीं है, मतलब मेरे को तो पसंद है, पापा को पसंद नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी। और भाई ये गाड़ी मतलब ज़्यादातर है ना उसके लिए सही है, मतलब जो चाहता है ना कि भाई मैं स्विफ्ट नहीं ले रहा अगर मैं, तो स्विफ्ट से अगर मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना है तो ये ठीक है यार। कम से कम ऑल्टो वगैरह इनसे तो भाई काफ़ी मतलब बेहतरीन लुक है इसका, वो तो आप सब जानते ही हैं भाई। बस ये है कि स्विफ्ट से इसे अगर कंपेयर करते हैं तो स्विफ्ट से थोड़ी छोटी पड़ती है, लेकिन लुक वाइज वगैरह सब कुछ सही है कम से कम जैसे ये। और सबसे बढ़िया बात इसमें देखो भाई, ये 5 डोर है, मतलब अगर आप इसको खोलना चाहोगे ना, कोई चाबी भी लगा सकते हो, लेकिन यार ये नहीं कि चाबी लगा के ही खोलोगे, आपने भाई अंदर से ही अपने डोर के वहीं से ही ऑन कर दी तो ये खुल ही जाएगा। 5 डोर वाला था इसमें सेंटर लॉकिंग, और इतना कुछ इसमें बूट स्पेस है भाई, 254 लीटर का है, 254 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। वैसे CNG इसमें अगर लग जाए तो उसके बाद तो स्पेस बचता नहीं है, क्योंकि CNG लगने के बाद जो स्पेयर टायर वो यहाँ खड़ा हो जाता है, तो स्पेस तो इतना बचता नहीं है। ये आपकी भाई बैक वाली ट्रे होगी, इस पर कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। और अब भाई एक बार बात कर लेते हैं इसके रूफ़ की, जो इसकी रूफ़ है ना, अब यार वो तो आपको सबको ही पता है कि भाई मारुति की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अब ये भी मान सकते हो कि भाई बजट के अकॉर्डिंग भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक है यार बजट के हिसाब से तो, लेकिन यार छत है ना, छत तो यार कम से कम टाइट देनी चाहिए ना इसको। अब आप ये देखो जहाँ खड़ी करते हैं ना गाड़ी, वहाँ से यार कभी बिल्ली कूद रही है ऊपर, कभी कुत्ते कूद रहे हैं, तो देखो क्या हाल कर दिया है। मतलब ये अभी दिख नहीं रही होगी आपको शायद, या दिख रही है पता नहीं, एक बार मैं फोकस करके देखता हूँ। तो मतलब ये दब जाती है यार, मैं सुबह सुबह इसको उठाता हूँ रोज के, जैसे खोलता हूँ गेट और फिर यहाँ से इसको यहाँ मारना पड़ता है तो ये उठती है। मतलब ये एक ख़राब चीज़ है यार मारुति कम से कम यार। और देखो डोर वगैरह देखो कितने हल्के हैं, डोर अगर आप देख सकते हो तो बहुत हल्के डोर हैं, कोई मतलब पता नहीं चलता कि भाई लोहा लगा भी रखा है इसमें। मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा यार गाड़ी की, लेकिन फिर भी मतलब गाड़ी दे रहे हैं, बेशक भाई कम बजट की है, 5.5-6 लाख की रेंज में आ जाती है, फिर भी यार बिल्ड क्वालिटी तो इम्प्रूव होनी ही चाहिए। एक काम करते हैं इंटीरियर में जाके चेक करते हैं यार। सबसे पहले आपको इंजन दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट रुको, एक मिनट इंजन की बात कर लेते हैं क्या कुछ इसमें मिलता था भाई। गर्म हो रहा काफ़ी, एक मिनट रुको। तो भाई ये कुछ इंजन है इसका, ये यार 998 cc है, वैसे 1000 cc बोलते हैं। तो इसमें K10 सीरीज का इंजन आता था, K10 इसका कुछ इंजन का वो है वेरिएंट, वो अक्सर सभी गाड़ियों में आता है, वैगनार में भी आता है, ऑल्टो में भी आता है, तो सारे सेम इंजन देते हैं। और भाई इसकी परफॉर्मेंस है ना काफ़ी अच्छी है इंजन की, मैं अगर बताऊँ तो आपको, मतलब इसकी एवरेज है ना, अगर आप चेक, मैं आपको एवरेज की बाद में बताऊंगा, मीटर में देख के बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ बहुत सही इसकी इंजन, मतलब रिफाइनमेंट वगैरह काफ़ी हद तक सही है। आपको एक बार ना वो सुना देता हूँ नॉइज़, इंजन नॉइज़ कितनी है, कि अगर हम ये कैबिन खुला है, कैबिन के अंदर तक नॉइज़ आती है नहीं आती, बोनट खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको चेक कर लेते हैं। अभी एसी बंद, एक मिनट रुको, रेडिएटर चलेगा वरना।
तो भाई ये देख लो, ये भी इतनी नॉइज़ है सिर्फ। ये 2015 का मॉडल है, अब तो BS6 आ गई है तो उसमें तो रिफाइनमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी कर दी है, मतलब नॉइज़ वगैरह भी नहीं आती इतनी, लेकिन इसमें इतनी आ रही है। अब देखते हैं इसको बोनट बंद करके कितनी आती है। देख लो भाई आपके सामने ही है, मतलब बहुत हद तक कम है यार, इतनी भी नहीं है, क्योंकि भाई 2015 का अगर मुकाबले देखा जाए ना, और आज छठा साल चल रहा है, तो आज के हिसाब से इंजन से देखा जाए तो बहुत कम है इसकी नॉइज़, और अंदर तक तो बिल्कुल भी नहीं आती। अंदर आपको बैठ के दिखाई देता हूँ, ये देखो अगर मैं शीशे चढ़ा देता हूँ तो ऊपर यार इसका एक्सटीरियर पार्ट का लुक वगैरह सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन तो है ही नहीं यार, मॉडिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये देखो मैंने बस ये ब्लैक स्प्रे करके पेंट कर रखे थे, क्योंकि यार सिल्वर मेरे को अच्छे नहीं लगते, कंपनी भी आजकल ब्लैक ही दे रही है, तो मैंने उसी का देखा था सिलेरियो एक्स वगैरह का, तो इसलिए मैंने करवा दिए थे, ब्लैक ही कर दिए, खुद ही कर दिए थे। तो साइड से कुछ ऐसा लुक है यार इसके, ये जो ये ब्लैक है ना, ये जो साइड मिरर आते हैं ये भी काफ़ी सही लगते हैं यार, ब्लैक तो ये ब्लैक फिर ये, तो मतलब कॉम्बिनेशन सही सा बैठ जाता है इसमें। अब बात करते हैं भाई कुछ इंटीरियर पार्ट की, इंटीरियर में क्या कुछ है, कितनी स्पेस है, एक बार चेक करते हैं। तो भाई ये देखो, ये कुछ इंटीरियर है इसका, आपको सबसे पहले डोर पे ये पावर विंडो वगैरह मिल जाती है, ये पावर विंडो, और मैं जैसा कि बता रहा था भाई, आप यहाँ से ही अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप अनलॉक करेंगे तो पीछे वाली डिग्गी भी अपने आप ही खुल जाएगी, मतलब डिग्गी के लिए कोई अलग से बटन वगैरह नहीं है, चाबी वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो भाई ये कुछ ड्यूअल टोन इसमें मिलता है, कुछ यहाँ लेदर वगैरह भी नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन ठीक है। और ये भाई ये इसका कुछ स्टेयरिंग है, और सबसे यार बेकार बात तो भाई मीटर की है यार, मतलब मीटर यार आजकल कितने बढ़िया बढ़िया मीटर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें यही मीटर मिलता है, आज तक यही मीटर मिलता है भाई। 2021 वाली में भी अगर आप लेने जाओगे ना तो यही मीटर मिलता है, वो थोड़ा सा चेंज है, अगर आप टॉप मॉडल थोड़ा सा ZXI की तरफ मुड़ोगे तो छोटा सा RPM का दे देंगे, और इधर ये सेम ही रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं है कि ये ऑरेंज सही देते हैं, वाइट नहीं देते यार, सेंटर में कितना बढ़िया आता है। और भी गाड़ियां इस रेंज में ही इस बजट में तो बहुत सही मीटर आते हैं उनके, लेकिन मारुति कंजूसियत करती है भाई, टॉप मॉडल में दे देगी बढ़िया और बेस मॉडल में देगी सबसे गंदा मीटर, तो ये तो है ही बेकार बात। और ये भाई कुछ इसका स्टीरियो है पाइनियर का टच वाला, तो ये तो हमने लगवाया ही था यार, यहाँ पे आप गेयर की है ना आपको प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, कुछ सारी गाड़ियों में आपको यहाँ मिलेगी जहाँ सैनिटाइजर रखा है, लेकिन आपको यहाँ मिलती है ऊपर से थोड़ा, जैसे रिड्स वगैरह मिलती थी, तो ये काफ़ी सही है ये भी, यहाँ पे इजीली आप शिफ्ट कर सकते हो, और AC वगैरह है आपको यहीं, कुछ ऑटोमेटिक तो है नहीं, मैनुअली करना पड़ेगा। ये आपको बूट स्पेस कह रहा हूँ सॉरी, ये आपको मिल जाता भाई कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। ये ड्यूअल टोन है ना, ड्यूअल टोन काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, ड्यूअल टोन है जैसे ब्लैक क्रीम, तो सीट कवर्स भी इसी के मैचिंग के हैं। और मैं आपको स्पेस की बात कर देता हूँ, एक बार इस सीट को पूरा पीछे कर दिया, तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो इतना स्पेस बचता है भाई, अगर ये सीट पूरी पीछे है तो, पूरी पीछे का मतलब यार कुछ ज़्यादा ही पीछे होगी क्योंकि मेरी हाइट है ना, जो पीछे है 2 हाइट, तो और जो लेग ये जो ऊपर का हेड है ये भी ठीक ही है, मतलब ना कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा लेकिन ठीक है, लेकिन पैर तो भाई बिल्कुल नहीं आ रहे। और अगर सीट नॉर्मल है ना उसकी तरह, जैसे नॉर्मल बंदा बैठा आगे, तो फिर आप इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हो, यूं बैठे हो आप, तो ये ठीक है। देखो इतना बच रहा है स्पेस, मतलब इतनी पीछे हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। और पीछे भाई 3 आदमी तो नहीं बैठ सकते, पीछे 2 बड़े और 1 बच्चा तो ज़रूर बैठ सकता है। तो ये इसकी कुछ स्पेस थी, इतनी कुछ स्पेस है इसमें भाई। और ये बात सही है, पीछे भी आपको पावर विंडो मिल ही जाती है, वरना आपको यूं घसड़ के करना पड़ता है, हाथ घुमा के तोड़ते हो ना, मतलब बढ़िया तरह बंद हो जाते हैं ये, तो दिक्कत पता नहीं, वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं फ्रंट वाले, तो इसलिए वो ढीले हो गए, थोड़े लटक से जाते हैं, तो इसलिए कट खींच के मारना पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, यूँ है ना, तो थोड़ा वैसी आवाज़ आती है इसमें, देखो इसमें बढ़िया सी आवाज़। और भाई इसमें टायर की अगर बात करें ना, तो इसमें आपको मिलते हैं 165R14, तो 14 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन 165 टायर हमने लगवा रखे हैं, इसमें शायद 155 आते हैं, ये तो हमने लगवाए थे चारों टायर 165 के, लेकिन इसमें 14 इंची के आते हैं, 155 करके आते हैं, 165 है तो हमने लगवा रखे हैं। और यही था भाई बस इस गाड़ी का
रिव्यू यही थे इसमें कुछ भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो यार यही है बस, क्वालिटी वगैरह को लेकर थोड़ी चीज़ें, पर ठीक है इस बजट में क्या कह सकते हैं यार, अब वो देख लेना आप खुद ही। और पॉजिटिव भाई की सबसे बड़ी बात आपको आज बताता हूँ, पॉजिटिव भाई इस जो इंजन की माइलेज है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, माइलेज बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा। हम जैसे गांव में जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कैंप ही जाना होता है, तो पापा चलाते हैं गाड़ी तो 80-90 चलाते हैं कॉन्स्टेंट 80-90, तो भाई एवरेज इतनी बढ़िया निकल के आती है आप हैरान हो जाओगे। इसकी एवरेज आती है कम से कम 27 या 28, मैं आपको खुद दिखा दूंगा उसमें मीटर के अंदर 27 या 28। किस दिन मैं जाऊँगा ना वापस अभी, तो फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग करके आपको उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा माइलेज के लिए, कितनी माइलेज आती है क्या कुछ। तो इसकी 28 आती है, 27-28 आराम से दे देती है हाईवे पर आराम से। और जैसे अभी मैं चला के लेके आया हूँ यहाँ तक वीडियो शूट करने के लिए, तो इसमें आपको बता देता हूँ कितनी मिली है मेरे को, देखो एक मीटर को देखो एवरेज 18.6। ये एवरेज है लोकल में, मतलब अगर इससे थोड़ी और भी रफ चलाओगे आप तो 16 तो आपकी कहीं नहीं गई 16, तो ये देख लो। और भाई आज तक एक बात बताऊं ना, देखो ये गाड़ी चल चुकी है देख लो आप 73,000 किलोमीटर आज तक भाई, इसमें ना अब तक तो मतलब ना तो क्लिच प्लेट का काम हुआ कुछ भी, और ना भाई गियर बॉक्स वगैरह का, बिल्कुल स्मूथ है सब कुछ, मतलब गाड़ी में वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर भाई आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे थे तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना ठीक थी या नहीं थी, और भाई शेयर जरूर कर देना, और नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय।